काला बालवीर तुम्हारे ही जादुई डंड से पूरी दुनिया में बुराई फैलाएगा। मैं दलदल से निकलते ही भयंकर परी पे वार करने वाला था, पर उसने मेरी आंखों के सामने अंधेरा कर लिया और फिर वो रानी परी को लेकर भाग गई। डरना नहीं है बच्चों, डर का सामना करना है। और रही बात मोंटू की, तो कल ही मैं तुम्हारे साथ स्कूल में आऊंगा और उसे समझाऊंगा कि वो तुम लोगों को तंग ना करे। बालवीर, हम दोबारा नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई बालवीर, कभी दोबारा नहीं करेंगे बालवीर। बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर हूँ। क्यों बालवीर, बहुत तड़प रहे होगे? नहीं मन कर रहा होगा कि इस दलदल से निकलकर हमारा विनाश कर दो, मगर अफसोस इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार विनाश होगा तुम्हारा। मेरा ये नकली बालवीर बच्चों को इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना दुश्मन मानेंगे। आ रहा है जितना गुस्सा बालवीर को, आ रहा है उतना मजा मुझे। बहुत तड़पाया तुमने हमें बालवीर, अब खुद ही तड़पो तुम दलदल में। मानव प्लीज डर मत, चल प्लीज चल। नहीं, इस बल्लू को भी आज ही अपने चाचा के यहाँ जाना था, चल ना। नहीं मैं, मुझे क्लासरूम में नहीं जाने, मुझे डर लग रहा है। मानव, याद है दादाजी ने क्या कहा था? क्या क्या बोलिए? याद है दादाजी ने क्या कहा था? डर क्या की जीत है। हाँ छोड़। क्यों याद करना? याद करने के लिए हाथ की क्या जरूरत है? अरे हाथ छोड़ना, मैं दिखाता हूँ पक्का। मैं याद कर रहा हूँ ना, तो मैंने कब रोका? याद आ गया। चल चलते हैं। हाँ चल चल चल। डर के आगे तो मोंटू है। गया मेरा चश्मा। देख मोंटू, हमें जाने दे। हाँ हमें तुझसे डर नहीं लगता, चल। अब डर लगेगा। मोंटू जी प्लीज मेरा चश्मा दे दो, प्लीज प्लीज। अरे मैं मेहर हूँ। नहीं तू मोंटू है, प्लीज मेरा चश्मा दे दे प्लीज। देख मोंटू चश्मा वापस दे दे। दूंगा, पहले मुझे मोंटू बॉस बोल। हाँ मोंटू बॉस बोल। बोल मोंटू बॉस बोल। चुप। चश्मा वापस दे। चश्मा चाहिए? चश्मा ले ले। महल अभी भी टाइम है, मोंटू बॉस बोल, वरना मैं मानो की ऐसी हालत करूंगा। नहीं बोलूंगी।
फिर से इंसल्ट हो गए ना। चुप। नहीं बोलेगी। ठीक है, ये मानव का चश्मा है ना, मैं तोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है बॉस। बॉस बोलेगा मेरा जूता टूटा, मेरा चश्मा टूटा। मैं बोल रहा था कि मोंटू मुझे मेरा चश्मा तोड़ेगा, लेकिन तू मानी नहीं रही थी। इस मोंटू ने कल मेरी कान की मशीन तोड़ी और आज मेरा चश्मा तोड़ दिया। चश्मा तेरा अभी तक टूटा नहीं है, अब टूटेगा। अच्छा, मेरा मतलब है तुम मानव के चश्मे के साथ क्या कर रहे हो? चश्मा तोड़ रहे सर। तोड़ रहा था? नहीं 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 सर, तोड़ नहीं रहा था, मतलब वो चश्मा मोड़ गया था तो उसे हम ठीक कर रहे थे। देखो, मानव के दादाजी ने पहले ही प्रिंसिपल को तुम्हारी शिकायत कर दी है और वो तुम्हें अपने केबिन में बुला रहे हैं। नहीं सर। खबरदार, जो दोबारा शरारत की और मानव और मेहर को तंग किया तो, अगर तुमने किया तो मैं प्रिंसिपल को तुम्हारी शिकायत करके सीधा तुम्हें स्कूल से सस्पेंड करवा दूंगा। मानव मेहर, अगर ये परेशान करें तो तुम सीधा मेरे पास, नहीं तो प्रिंसिपल के पास आ जाना। चलो मोंटू प्रिंसिपल के केबिन में। सर। और बच्चों तुम चलो अपनी अपनी क्लास में, चलो जाओ, चलो, अरे चलो। मानव, अब हमें बिना समय गवाए भयंकर परी पर हमला करना चाहिए। क्यों? मेरा मतलब है, मैं तो सुरक्षित बाहर आ गया हूँ ना, तो फिर क्यों? तुम ये भूल रहे हो कि रानी परी अब भी वही है और हमें रानी परी को भयंकर परी के कैद से आजाद कराना है। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस बालवीर से हम गुफा के बाहर मिले थे वो हमारा बालवीर नहीं था। बालवीर कुछ पतला बदला सा लग रहा था। नटखट परी, क्या हुआ गाल परी? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्योंकि जिस बालवीर को हमने देखा, अगर आप भी उसे देखती तो आपके भी होश उड़ जाते। क्यों, ऐसा क्या देखा आपने? वो दरअसल हम पृथ्वीलोक में भयंकर परी को ढूंढने गए थे और वहां मैंने बालवीर को देखा। जाने दूंगा, लेकिन तुम मुझे वादा करो, तुम बच्चों को परेशान करोगे? बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर हूँ। इसका मतलब मेरा दिल सही कह रहा था कि बालवीर बदल गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा नटखट परी कि बच्चों को बचाने वाला बालवीर आज बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर कैसे बन गया है। गाल परी, आपने बालवीर को रोका क्यों नहीं? मैंने उस पर आक्रमण करने की कोशिश की थी लेकिन रुक गई, हिम्मत ही नहीं हुई अपने बालवीर पर वार करने की। फिर हमने सोचा कि कोई भी कदम उठाने से पहले हमें बालपरी को बालवीर के बारे में सब बता देना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आ गए। गालपरी, आप भयंकर परी की खोज जारी रखिए,
बालपरी से बालवीर के इस बदले हुए रूप के बारे में मैं बात करूं। ठीक है नटखट परी, खुश रहो बालपरी। ये सब क्या हो गया? बालपरी को बालवीर के इस बदले हुए रूप के बारे में पता चलेगा तो उनके दिल को कितनी चोट पहुंचेगी। इसलिए उन्हें कुछ भी बताने से पहले सच क्या है उसकी मुझे जांच करनी ही होगी। क्या करूं? बालवीर जब से उस गुफा से वापस आया है तब से ही हमें बदला हुआ सा लग रहा है। जरूर उस गुफा में ही कुछ होगा। मुझे उस गुफा में जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। बच्चा लोग सब घर पे आओ, तुम लोग का खेलने का टाइम खत्म। हाँ चल निकल निकल, घर पे जाके कॉमिक पढ़ो। ये ग्राउंड पे पहले हम आए थे तो हम खेलेंगे यहाँ पे, हमारा बॉल दो। अच्छा ये बॉल तेरा है, आजा बॉल ले ले। तुझे लगी तो लगी नहीं ना? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। लगता है हमें बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। बालवीर 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 बालवीर। पिद्दियो न्यूज़ चैनल में देखा नहीं क्या, बालवीर अब बच्चों को बचाने नहीं आता। बालवीर बालवीर। देखो आ गया बालवीर, अब मजा आएगा। ये सब हमें यहाँ खेलने नहीं दे रहे थे और इसने मुझे फुटबॉल से भी मारा। इसको फुटबॉल से किसने मारा? मुझे माफ कर दो बालवीर, सॉरी मैं दोबारा नहीं मारूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? नहीं करना बालवीर, इन्हें माफ नहीं करना। ठीक है माफ कर दूंगा लेकिन एक शर्त पे, तुम इन बच्चों को रोज फुटबॉल से मारोगे। हाँ? ये तुम क्या बोल रहे हो बालवीर, तुम हमारे दोस्त हो या दुश्मन? दुश्मन। अब मैं हर बच्चे का दुश्मन। लेकिन याद रखना तुम्हें इन बच्चों को रोज परेशान करना है। We hate you, Baalveer. We hate you, Baalveer.
सीट्रा विंडोज कैसे चल सकती है? थोड़ा डर के चलना। माना तो इतना मत डरा। पर कहाँ है पर? किसका पर? कहाँ है? और आपके कान का ऑपरेशन ना जल्दी होने वाला है। होने वाले? कौन होने वाला है? काश मोंटू खो जाए। ए विद्यो! देख मोंटू, आज हमें परेशान मत करना, नहीं तो मैं प्रिंसिपल सर से तेरी कंप्लेन कर दूंगी। तुझे प्रिंसिपल सर ने कहा है ना कि हमें परेशान मत करना? मैं प्रिंसिपल सर ने मुझे मना किया तुम्हें परेशान करने से, और रोहित केवल को नहीं ना। और अगर रोहित केवल ने तुम दोनों पर टॉमी छोड़ा तो क्या हाल होगा तुम्हारा? टॉमी नया लड़का है क्या जिसने मोंटू गैंग को ज्वाइन किया है? एक मिनट, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। शायद बालवीर आ जाए। बालवीर! कोशिश कर ली बालवीर को बुलाने के लिए लेकिन वो आया ही नहीं। क्या? अरे मैंने बहुत कोशिश कर ली बालवीर को बुलाने के लिए लेकिन वो नहीं आया। अरे हाँ तो इतना चिल्ला क्यों रही है? इतना चिल्लाने की वजह हम उतने ही तेज भागते हैं ना। हाँ हाँ, पर फिर भी एक बार मैं कोशिश करती हूँ, शायद बालवीर आ जाए। एक मिनट, बालवीर! ये तो मेहर की आवाज है, लगता है मेहर किसी मुसीबत में। जितना बुलाने बुला लो बालवीर को, लेकिन अब वो नहीं आएगा।